दो के पवित्र धार्मिक स्थल श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 19 नवंबर को शाम 3:35 पर भगवान बद्री विशाल की कपाट बंद होंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर को सुंदर तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने से पहले हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जो कपाट बंद होने की धार्मिक प्रक्रिया के साक्षात गवाह बनेंगे। बद्रीनाथ की पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल के मुताबिक कपाट बंद होने से पहले ही भगवान बद्री विशाल को ऊनी घृत कंबल ओढ़ाया जाएगा। ये ऊनी घृत कंबल माना गांव की महिला मंगल दल की महिलाओं ने तैयार किया है, जिसे घी में भिगोकर तैयार किया गया है। इस घृत कंबल को मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी भगवान को अर्पित करेंगे। इससे पहले मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी स्त्री का वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में जो है प्रतिष्ठापित करेंगे और उद्धव और कुबेर के प्रतिमा को मंदिर परिसर में लाया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी आज संपन्न होगी। बता दें, इस साल 17.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद उद्धव और कुबेर की डोरी बामनी गांव में पहुंचेगी, जबकि शंकराचार्य की गद्दी रावल निवासी में आज रात्रि विश्राम करेगी। वहीं कल यानी रविवार सुबह को पावन गद्दी और उद्धव कुबेर की मूर्ति कुंडिकेश्वर के लिए रवाना होगी। 21 नवंबर को शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचेगी और शीतकाल तक यही रहेगी। MKN न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।